भाइयों बहनों, अगर ये बारी बारी 5 साल प्रधानमंत्री बन गए ना, तो वो 5 साल में क्या काम करेंगे मैं बता देता हूं। पहले साल में धारा 370 को वापिस लाएंगे, दूसरे साल में ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे, तीसरे साल में पीए पाइपर से बैन उठा लेंगे, चौथे वर्ष में आतंकवादियों से बातचीत करेंगे और पांचवें साल में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। बाबरी ताला इनको आने देना चाहिए क्या? आने देना चाहिए? भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। आज ये चुनाव जो है, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। 70 साल से इस सपा और कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर बैठे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोमनाथ का मंदिर मोदी जी ने हमारी आस्था का, संस्कृति का, धर्म का सम्मान करने का काम किया। और मुझे बताओ जरा, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो कुशीनगर वालों, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी डरती होगी एटम बम से, हम तो भाजपा वाले हैं, नहीं डरते हैं, नहीं डरते। आज भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण वाली भूमि पर मैं कह कर जाता हूं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। माताओं भाइयों बहनों, ये धारा 370 को नहीं हटा सके वो और क्या। अभी अभी अखिलेश बाबू सहारा रिफंड पोर्टल का मुद्दा उठा रहे हैं। भाई कुशीनगर वालों, मुझे बताओ, 85,000 करोड़ का सहारा का घपला किसके समय में हुआ? जोर से बोलो, किसके समय में हुआ? किसने लोगों को लूटने दिया? अरे अखिलेश बाबू, आपकी पार्टी सहारा के फंड से चलती थी, सहारा की लूट आपने चलने दी। नरेंद्र मोदी ने तो रिफंड देने की शुरुआत की है। मैं आज सभी सहारा वालों को बताकर जाता हूं, तीनों कोऑपरेटिव का रिफंड चालू हो गया है और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है, मगर 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ रुपया पाई पाई हम वापिस करेंगे, ये हमारा गारंटी।